नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइज, ये है हमेशा की तरह टॉप 5 गैजेट्स अंडर 500 रुपीज का एपिसोड और ये है पार्ट 14। और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और यूजफुल गैजेट्स है जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ होंगे। ऐसे गैजेट्स यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्ट किए और ये टाइम मैंने फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों से ऑर्डर किए हैं। सो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली हम बढ़ते उन गैजेट्स की तरफ। और गाइज, अगर किसी को सजेस्ट करना है कोई भी गैजेट जो मैं अनबॉक्स करना चाहता हूँ अंडर 500 रुपीज़, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उसे अनबॉक्स करने के लिए। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज, यहाँ पे जो सबसे पहला गैजेट है वो है ये इलेक्ट्रिक मसाजर और ये है मेमो इलेक्ट्रिक मसाजर। बॉक्स के ऊपर ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस उसमें बताया कि आपको 3 AAA बैटरीज यहाँ पे इंसर्ट करनी है। यहाँ पे दी गई कुछ इंस्ट्रक्शंस और ज़्यादा बॉक्स पे कुछ भी नहीं, तो डायरेक्टली हम इसे ओपन करते हैं। सो बॉक्स के अंदर आपको देखने मिलता है ये एक्चुअल मेमो मसाजर और यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं नॉर्मल USB से लेके जो ट्रेडिशनल नोकिया केबल्स थे वैसा चार्जिंग केबल यहाँ पे आपको देखने मिलता है। पर गाइस, इसमें बैटरी नहीं तो मुझे पता नहीं ये केबल क्यों दी गई है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इसे कुछ इस तरह ओपन करना है। यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है 3 बैटरीज। सो गाइस, यहाँ पे मैंने बैटरी इंसर्ट कर दी है, तो अभी बेसिकली इसे कुछ टर्न ऑन करने का बटन नहीं, आपको बस इसे प्रेस करना है तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। सो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव है ये। सो बेसिकली अगर आपको हैंड मसाज करना है तो आप हाथ के ऊपर रख के इसे प्रेस कर सकते हो और काफ़ी अच्छी तरीके से ये मसाज करेगा आपकी बॉडी के ऊपर। बस आपको ऐसे कुछ इसको स्लाइड करना है, बॉडी के ऊपर आप स्लाइड कर सकते हो इसी को। सो गाइज, ये काफ़ी अच्छा मसाज करेगा आपके बैक पे या फिर जहाँ पे भी आपको पेन होता है, ज़रूरी है ये मसाज की, तो ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मसाज करेगा और इसकी वाइब्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और गाइज, ये अभी आप देख सकते हो 189 रुपीज़ में अवेलेबल है अमेजोन पे। सो काफ़ी सस्ती डील है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और वो भी प्राइम में अवेलेबल है। अगर वर्किंग नहीं तो आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पे जो अगला प्रोडक्ट है वो है ये ब्लूटूथ हेडफोन्स और कुछ इस तरह ही मुझे डिलीवर हुए। कुछ भी पैकेजिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही मुझे ये डिलीवर हुए हैं। सो गाइज, आप देख सकते हो काफ़ी बेसिक से ये ईयरफोन्स हैं। मैंने इसके पहले ऐसे ही सिमिलर ईयरफोन्स अनबॉक्स किए थे जो थे वाइट कलर में और आप देख सकते हो यहाँ पे MI की ब्रांडिंग दी गई है। सो ये बेसिकली फेक MI के ईयरफोन्स है और अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन। दिखाने जैसा कुछ भी नहीं है गाइस। सो ये पावर ऑन हो चुका है, तो अभी हम करते हैं इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट। सो ये कनेक्ट हो चुका है, इसका ब्लिंकिंग स्टॉप हो चुका है, तो अभी हम देखते हैं कैसे इसकी साउंड क्वालिटी। बट गाइस, साउंड क्वालिटी चेक करने से पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ये 269 रुपीज़ में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। सो काफ़ी बढ़िया डील है, बट पहले चेक करते हैं कैसे इसकी साउंड क्वालिटी। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं इस हेडफोन की साउंड क्वालिटी। सो गाइस, जैसे मैंने सुनी इसकी साउंड क्वालिटी, काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी है, मतलब वोकल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसका बेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट गाइस, यहाँ पे मुझे एक ही प्रॉब्लम लगी, इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा लो था, तो एक बार मैं इसकी साउंड क्वालिटी आपको सुनाता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे जैसे आपने सुनी इसकी साउंड क्वालिटी, बाकी के जो ईयरफोन्स हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी, मतलब ऑलमोस्ट 25-30% से कम इसका साउंड है। सो आपकी चॉइस है अगर आपको इसे बाय करना है, नहीं बाय करना है। सो गाइज, यहाँ पे जो अगला गैजेट है वो है ये लेजी रीडर्स और आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर ज़्यादा कुछ भी नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है गाइज, डायरेक्टली हम इसे अनबॉक्स करते हैं। सो बेसिकली ये गॉगल्स है, लेजी गॉगल्स। सो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की फिनिशिंग यहाँ पे आई है और यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं लेंस। सो बेसिकली अगर आप आगे की तरफ देख रहे हो तो ये आपको नीचे का जो भी दिख रहा है व्यू वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। सो काफ़ी बढ़िया है, तो यहाँ पे मैं लेंस के ऊपर आपको बताता हूँ। सो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ से मेरा ट्राइपॉड आपको देखने मिलेगा या फिर जो मेरा मोबाइल फ़ोन है या फिर साइड में रखी हुई चीज़ें आपको क्लियरली इसकी हेल्प से देखने मिलती है। सो अभी मैं आपको यहाँ पे छोटा सा डेमो देता हूँ कैसे ये वर्क करता है। और गाइज, फिलहाल ये जो ग्लासेस है ये आपको 499 पे अवेलेबल मिल जाएंगे अमेजोन पे। सो गाइज, यहाँ पे ये ग्लासेस, तो यहाँ पे मैं इसे पहनता हूँ और लिटरली गाइज मुझे आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सब नीचे जो मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ यहाँ पे मैं बुक में से हर एक चीज़ क्लियरली पढ़ सकता हूँ। जो भी है चीज़ यहाँ पे मैं लिटरली क्लियरली, मतलब जैसे मुझे आंखों से दिखता है वैसे ही यहाँ पे मैं क्लियरली पढ़ रहा हूँ। अगर मुझे आपको देखना है गाइज तो मुझे कुछ इस तरह अपनी गर्दन मोड़नी पड़ रही है, तभी जाके मैं आपको देख सकता हूँ गाइज, मतलब जो कैमरा है उसे देख सकता हूँ। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, स्पेशली जो ओल्ड वंस है जिनको नेक का प्रॉब्लम है वो लिटरली लाई डाउन होकर बेड पर जो बुक्स हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। बट गाइज, काफ़ी इंटरेस्टिंग गैजेट है अंडर 500 रुपीज़ और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना क्लियर ये दिखेगा।
सो गाइज यहाँ पे जो अगला गैजेट है वो है ये लैपटॉप कूलिंग पैड बाय ज़ेब्रोनिक्स, तो ब्रांडेड है और यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ फीचर, जैसे कि ये है यूएसबी पार्ट, यहाँ पे आपको देखने मिलता है 125 mm का फैन, यहाँ पे पास थ्रू यूएसबी, सो बेसिकली यूएसबी से कनेक्ट करके ये आपके लैपटॉप को कूल करेगा और कुछ भी नहीं। नीचे की तरफ आपको स्टैंड देखने मिलते हैं, पीछे की तरफ आपको देखने मिलते हैं केसेस का रोप है, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, और यहाँ पे आप देख सकते हो करंट रेटिंग वगैरह कई सारी चीज़ें दी गई है। मेटल का जो है मैश है इसका, तो डायरेक्टली हम इसे अनबॉक्स करते हैं। सो गाइज ये है वो एक्चुअल कूलिंग पैड और ये जो ग्रिल है ये कंप्लीट मेटल की है। आप सुन सकते हो इसका साउंड, काफ़ी पतली सी है बट मेटल की है। यहाँ पे आपको देखने मिलता है स्टैंड, सो बेसिकली आप लैपटॉप को कुछ इस तरह यूज़ कर सकते हो। पीछे की तरफ यहाँ पे रेज्ड हुए दो स्क्वायर देखने मिलते हैं, सो आप लैपटॉप काफ़ी आसानी से इसकी हेल्प से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं कनेक्टिंग वायर, तो ये वायर जो है काफ़ी छोटी सी है और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने मिलता है यूएसबी, सो ये यूएसबी टू यूएसबी केबल है, मतलब अगर आप इसे कनेक्ट करते हो लैपटॉप से तो यहाँ पे आप पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो इसकी हेल्प से। तो यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं इसे चार्जिंग से और देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। सो गाइज यहाँ पे मैं मेरा मैकबुक रख रहा हूँ, यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं इसे यूएसबी से। सो गाइज अभी ये पावर ऑन हो चुका है और यहाँ पे मैं आपको नीचे की तरफ बता दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बढ़िया तरीके से ये लग रहा है। यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट इंडिकेट करती है, 125 mm का फ़ैन है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे कूलिंग मिल रहा है और ये जो ग्रिल है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपके लैपटॉप को यहाँ पे कूल करेगी। सो बेसिकली आपके लैपटॉप को कुछ इस तरह आपको यहाँ पे रखना है, आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे कूलिंग होगी। सो अभी आप देख सकते हो 445 रुपीज़ का अमेजोन पे ये आपको मिल रहा है और गाइस ज़ेब्रोनिक्स का है जो काफ़ी बढ़िया है, वारंटी भी है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा कूलिंग पैड है। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पेन ड्राइव या फिर जो भी है स्लॉट्स में इंसर्ट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा और डाइसी दिखता है गाइस ये ब्लू कलर की लाइट। सो गाइस यहाँ पे जो अगला गैजेट है वो है ये शार्पनिंग टूल और आप देख सकते हो प्रिसीजन पावर शार्पनिंग। सो यहाँ पे आप नाइफ जो है या फिर जो प्रिसीजन टूल्स है, सीजर्स है, जो भी चीज़ है आप इसकी हेल्प से शार्पन कर सकते हो और यहाँ पे वो एक्चुअल डिवाइस आपको देखने मिलता है। ईजी टू यूज़ यहाँ पे लिखा है, बैटरी पावर्ड है, तो डायरेक्टली हम इसे अनबॉक्स करते हैं। सो गाइज ये है वो एक्चुअल डिवाइस शार्पनिंग टूल और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नाइफ, सीजर, प्रिसीजन टूल्स हर एक चीज़ मिलती है, तो आप बेसिकली इसे रोटेट करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप नाइफ यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप जो है सीजर्स यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप दूसरे प्रिसीजन टूल्स यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आगे की तरफ जो दूसरे स्क्रू ड्राइवर्स है वगैरह उन्हें यूज़ कर सकते हो शार्पन करने के लिए। यहाँ पे नीचे की तरफ है बैटरी कंपार्टमेंट। सो गाइज इसमें आपको इंसर्ट करनी है 4 AA बैटरीज और तभी जाके ये पावर ऑन होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑन ऑफ का बटन। सो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको ट्रे मिलेगा, सो जो भी यहाँ पे पीसेस गिरते हैं मेटल के इसमें ऑक्यूपाई हो जाएंगे। सो गाइज यहाँ पे मैंने बैटरी इंसर्ट कर दी है, तो अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन। सो गाइज ये काफी ज्यादा पावरफुल है, आप मोटर देख सकते हो इसकी यहाँ पे अंदर की तरफ और आप सुन सकते हो इसका साउंड, इतना ज़्यादा लाउड साउंड है यहाँ पे और आप देख सकते हो अंदर की तरफ जो मोटर है या फिर जो शार्पनिंग टूल है आपको देखने मिलेगा। मैं वापस यहाँ पे आपको बताता हूँ जूम करके। सो गाइज अभी हम करते हैं इसकी हेल्प से कुछ शार्प, तो यहाँ पे मेरे पास ये नाइफ है तो इसे हम करके देखते हैं शार्प। तो इसे बस यहाँ पे रोटेट करता हूँ, ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नाइफ के कंपार्टमेंट हैं, तो अभी हम जो है इसे ऑन करते हैं। सो गाइज यहाँ पे शार्प तो हो रहा नहीं है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे मैं फुल RPM में मोटर लगा रहा हूँ, नाइफ जैसे ही मैं इंसर्ट करता हूँ ये बंद हो रहा है, ये मोटर जो है बंद हो रही है, पता नहीं गाइज क्या इसमें इशू है, मोटर जो है बंद पड़ रही है। तो यहाँ पे हम दूसरा कुछ ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास है ये सीजर, तो सीजर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं इसे शार्प करने का। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो पता नहीं क्या हो रहा है, मैं टच कर रहा हूँ उसे, फुल RPM में मोटर रख रहा हूँ, फिर इसे टच कर रहा हूँ, बस शार्प करने निकल ही जाता हूँ तो ये मोटर बंद हो जाती है, पता नहीं क्यों। और नाइफ प्रिसीजन टूल इसे कहा जाता है, तो ये प्रॉपरली वर्क तो नहीं कर रहा है गाइस मेरे हिसाब से। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 299 का अमेजोन पे ये अवेलेबल मिल रहा है, बट गाइज मेरे हिसाब से इतना भी वर्थ ये डिवाइस नहीं है, मतलब नाइफ और जो सीजर है जो ये क्लेम करता है शार्प करता है वो भी ये कर नहीं पा रहा है, तो इसका कुछ भी यूज़ नहीं है।
तो दोस्तों जैसे आपने देखा उन पांचों गैजेट्स को, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी बढ़िया वो गैजेट्स थे और काफ़ी यूजफुल है डे टू डे लाइफ में। बस यहाँ पे जो शार्पनिंग टूल था उसने मुझे नाराज़ किया, क्योंकि मैं जब भी ब्लेड उस जो रिम है उसकी तरफ लेके जा रहा था वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो रहा था। भले ही उसकी RPM काफ़ी ज़्यादा हो, बट मेरे हिसाब से मोटर ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी उसकी, सो मुझे कुछ सेंस नहीं बना उसे मतलब यूज़ करने में। बट बाकी के जितने भी सारे गैजेट्स मैंने अनबॉक्स किए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, काफ़ी बढ़िया थे और डे टू डे लाइफ में आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। सो गाइज़, अगर किसी को उन पांचों गैजेट्स में से कोई भी गैजेट बाय करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप उन्हें बाय कर सकते हो। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।